खुशी मेरे से ऐसे बात करने की जरूरत नहीं है, बिहेव योरसेल्फ। यू नीड टू लर्न सम लेसंस ऑन हाउ टू बिहेव विद योर पेरेंट्स। मेरा बच्चा तो बहुत मिसबिहेव करता है। क्या आपका बच्चा भी आपके साथ मिसबिहेव करता है? इफ यस, तो आज का वीडियो बच्चों के मिसबिहेवियर के बारे में डिस्कस करने के लिए है। आइए उसको समझें। वेलकम टू पायल्स लाइफ कोचिंग, लेट्स ग्रो टुगेदर। पहली बात तो ये समझें कि मिसबिहेवियर क्या है। जो हमारे मस्ट, हमारे शुड्स में फिट नहीं होता, वो हमारे हिसाब से मिसबिहेवियर है। अगर हम एक टॉडलर के बिहेवियर की बात करें, तो क्या इतने छोटे बच्चे को मॉरलिस्टिक, अप्रोप्रिएट, सोशली करेक्ट बिहेवियर्स पता होते हैं? नहीं ना। ये शुड, शुड नॉट, गुड मैनर्स, बैड मैनर्स हम बच्चों को सिखाते हैं। जब एक छोटा बच्चा इलेक्ट्रिक सॉकेट्स में हाथ डालने की कोशिश करता है, तो वो क्या शैतानी कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, नॉटी है? मेरे हिसाब से नहीं। जब बच्चा 0 से 1 साल के बीच होता है, तब वो हम में जीता है, हम यानी पेरेंट एंड चाइल्ड। पर 1 से 3 साल के बच्चे का सेंस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट होने लगता है। ही स्टार्ट्स एक्सप्लोरिंग हिमसेल्फ एंड थिंग्स अराउंड हिम। तो ये इलेक्ट्रिक सॉकेट्स में हाथ मारना भी मिसबिहेवियर नहीं, इट्स पार्ट ऑफ हिज एक्सप्लोरेशन। What if misbehavior is a call for some need or help as per their developmental stage? Misbehavior, yani disrespect, yani missing the need, that means we go off track and then he may go off track. Aur phir jab bachcha hamari baat nahi manta, then we think he is disrespecting us, he is misbehaving. Is behavior ko, is exploration ko misbehavior aur disrespect samajh lena hi hamari sabse badi galti hai. To karna kya hai? वेल, मिसबिहेवियर को एक साइन समझें टू वर्क ऑन द मिसिंग स्किल्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर बच्चा आपको हिट करता है, आप कहेंगे मिसबिहेवियर है, बड़ों से ऐसे नहीं बिहेव करते, मैनर्स नहीं है। राइट, फाइन, बट आपको यहाँ पे ये फिगर आउट करना है कि वॉट इज मिसिंग, वॉट आर द स्किल्स दैट यू नीड टू वर्क ऑन। एंड द स्किल्स हियर वुड बी दैट हाउ टू हैंडल एंगर, फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट। Teach that. Point is, बच्चा जो भी बिहेवियर शो कर रहा है, that is just tip of the iceberg. उसका state of mind क्या है, वही बिहेवियर dictate करता है। हमें ये जानना है वो वैसा क्यों बिहेव कर रहा है, क्या स्किल सिखानी है, identify and then work on it. जब 1 महीने का बच्चा रोता है, तब हम समझ जाते हैं कि या तो उसे भूख लगी है, नींद आई है, या पेट में दर्द है। एट दैट टाइम द चाइल्ड हैज फिजिकल नीड्स। इसलिए हम ये नहीं कहते कि वो रो रहा है तो वो मिसबिहेव कर रहा है। पर वही बच्चा जब बड़ा होता है, तब उसके कुछ इमोशनल स्टेट्स होती हैं। उन्हीं इमोशनल स्टेट्स को हमें समझना है और उसके बिहेवियर को, के रीजन को आइडेंटिफाई करना है, ना कि टर्म इट एज मिसबिहेवियर एंड स्टार्ट मिसबिहेविंग आवरसेल्व्स। कमिंग बैक टू एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक सॉकेट्स, लेट्स सी वॉट वी कैन डू। जब बच्चा सॉकेट में उंगली डालने की कोशिश करे, तो सबसे पहले जेंटली बच्चे को वहां से हटाइए। एंड से, ओह, यू वांट टू टच सॉकेट, आई सी। पर आपको पता है, ऐसे फिंगर नहीं डालते, उई हो जाती है। इफ यू वांट टू टच, टच विद योर हैंड, देन शो अदर थिंग अराउंड विच आर सेफ। यू कैन टच अदर थिंग्स लाइक वॉल, कबर्ड विद हैंड एंड शो दैट दिस इज सेफ फॉर द चाइल्ड। लेट्स नोटिस हमने क्या स्किल्स यूज करी। इंस्टेड ऑफ सेइंग नो नो नो, वी वैलिडेटेड द चाइल्ड्स एक्शन बाय सेइंग ओ यू वांट टू टच आई सी, एंड देन वी रीडायरेक्टेड टू अदर थिंग्स अराउंड। सो वैलिडेशन एंड रीडायरेक्शन। एक और एग्जाम्पल शेयर करना चाहूंगी। जब बच्चा आपके हेयर पुल करे, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग स्टॉप इट, बैड मैनर्स, यू कैन से ओके यू वांट माई अटेंशन, When you want my attention, then tap on my shoulders. अब आप अपनी situations में देखें कि कहाँ आपको लगता है कि बच्चा आपके साथ misbehave करता है, उन situations में क्या उसके reasons हो सकते हैं, उन्हें identify कीजिए और comment section में ज़रूर लिखिए। If you like today's video, then please and subscribe. Thanks for watching. Bye-bye. Happy parenting. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.